के बाहर होते फील्ड की सजावट की ओर यदि हम नजर डालेंगे तो एक डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात हैं अमर पांडिल और एक लॉन्ग ऑफ ज्ञानेश्वर उसाटकर। कट किया इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद को जब तक रोका जाता डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी थी। सटीक टप्पा और सही दिशा, सही लाइन, सही लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए हमेशा जाना जाता है। गेंदबाज की बात करेंगे तो हमारे अच्छे दोस्त मिलन सिनारे मैदान के अंदर, पहली दो गेंदें डॉट, उसमें पहली गेंद के ऊपर अजय कदम को आउट किया था। तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट से बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के ऊपर आकाश पांडिल। और यहां पर हार्दिक भगत ने कोई गलती नहीं की, प्रवीण सिनारे ने छलांग लगाई थी, उनके हाथे पर लगकर गेंद, अधिक सिनारे वहां पर मौजूद थे और बल्लेबाज के पारी का अंत होता था। आते हैं उनके लिस्ट में इस क्रेडिट का नाम आते हैं, पांच गेंदे लगातार डॉट, ये देखिए कप्तानी अमर पाटिल की। जैसे ही मेडन ओवर की बात आई एक खिलाड़ी रख दिया जो सिंगल को रोक के, ये होते हैं कप्तानी। हमेशा हमने इंटरनेशनल लेवल में रिकी पॉन्टिंग को ऐसा करते हुए देखा है, एक खिलाड़ी यदि 100 रन के आंकड़े को करीब हो तो कभी भी सिंगल रोकने का प्रयास करते थे और यही कोशिश की जा रही है। एक हम देख सकते हैं शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, क्या सिंगल बचाएंगे, क्या पहला ओवर होगा इस टूर्नामेंट का, जनमन ट्रॉफी 2018 का पहला मेडन ओवर क्या हो पाएगा। आखिरी और अंतिम गेंद, जोरदार अपील बल्लेबाज का शिकार, पहला मेडन ओवर, जोरदार तालियां बजनी चाहिए मिलन सिनारे के लिए। पहली छह गेंदें समाप्त हुई, दो तीन खिलाड़ी को जाने के बाद मैदान के अंदर 0 रन, देवलोली क्रिकेट टीम। जोर का झटका,